क्या आपने ये कभी नहीं सोचा है कि क्यों एक रोबोट आई एम नॉट अ रोबोट रिकैप्चर टेस्ट पास नहीं कर सकता? तो आइए इसे समझते हैं। एक्चुअली इस टेस्ट में बॉक्स में टिक करने या राइट इमेज सिलेक्ट करने से पहले आपके माउस का मूवमेंट चेक होता है कि कैसे कर्सर टिक बॉक्स के कोऑर्डिनेट तक पहुंचा है, जिसमें रोबोट के माउस का मूवमेंट बहुत ही यूनिफॉर्म होगा और स्ट्रेट लाइन भी हो सकता है या तो फिर डायरेक्ट टिक बॉक्स पर भी हो सकता है। यहाँ तक कि मॉडर्न रिकैप्चा टेस्ट्स ब्राउजिंग हिस्ट्री भी चेक करते हैं, जिन्हें आप जाने अनजाने में एक्सेस दे देते हैं। कैप्चा का फुल फॉर्म क्या है कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। धन्यवाद।